हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी, वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। सो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है 5G सेक्टर से रिलेटेड। आप अगर मेरी लास्ट वीडियो देखते हैं GTL इंफ्रा, TTML या फिर HFCL शेयर से रिलेटेड, तो हमेशा आपको बोलती हूँ कि दिवाली तक 5G सर्विसेज आ जाएंगी। सो इसी से रिलेटेड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने दे दी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले, चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, न्यूज़ क्या है, पहले न्यूज़ बताऊंगी, देन शेयर के बारे में टारगेट्स बताऊंगी। तो न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल लॉन्च 5G सर्विसेज ऑन 1st October, एंड स्पीड विल बी, ये जो 5G सर्विसेज है इसकी स्पीड विल बी 10 टाइम्स फास्टर देन 4G। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही आपको बोलती थी कि 15 अगस्त को जो लॉन्च हो जाएगा एंड दिवाली तक सर्विसेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोल दिया है कि 1st October को लॉन्च होने वाला है। तो अब जितने भी 5G सेक्टर्स के शेयर हैं वो तो फ्रेंड्स भागने वाले हैं। तो इसमें GTL इंफ्रा सबसे कम प्राइस में मिलने वाला शेयर है, 1.40 रुपीज़ प्राइस है, 1.75 तक अभी चला गया था, वहाँ से दोबारा करेक्शन में नीचे आ गया है। अभी 1.40 चल रहा है प्राइस, 1.15 पे मैंने बाइंग का सजेशन दिया था। इंडिया में 28,000 टावर्स हैं, डेफिनेटली 5G आएगा, बिजनेस मिलेगा, उसके बाद 6G का भी फ्रेमवर्क रेडी है। सो 52-week लो है 1.05 एंड हाई है 2.56। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहाँ से डबल तो होगा ही ये शेयर, बट हाँ, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। 5G सेक्टर्स की कंपनी को गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, हो सकता है फ्यूचर में कोई बड़ी कंपनी इसको एक्वायर कर ले, तो यहाँ पर ये शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न आराम से देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है, अभी 1 रुपये के आसपास का स्टॉक है, लेकिन आप मार्केट कैप सुनिए, 1767 करोड़, मतलब बहुत से इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ओनली बिकॉज ऑफ 5G। आपको पता है टेक्नोलॉजी तो हमेशा अपडेट होती ही है, 5G आया है तो थोड़े टाइम के बाद 6G भी आएगा। तो अच्छा शेयर है अब, बट 1 रुपीज़ के आसपास है, लॉस मेकिंग कंपनी है, फंडामेंटल्स एवरेज हैं, तो आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना है जितना आप रिस्क ले सकते हैं, बस उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है। वॉल्यूम था लास्ट सेशन में 4 करोड़ का, 80% लोग बोलते हैं बाय करना चाहिए एंड 0% लोग बोलते हैं सेल करना चाहिए एंड 20% लोग बोलते हैं होल्ड करना चाहिए। अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई थी कि होल टाइम डायरेक्टर ने रिज़ाइन करा है, मिलिंद के नायक नाम है उनका। सो फ्रेंड, नेक्स्ट टारगेट आप 1.55 का इसमें लेके चलिए, जो आपको बहुत जल्दी अचीव होता देखने को मिलने वाला है। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।